चलिए चलिए जी, सीखते हैं जल्दी झटपट फटाफट मूली का आटा गूंदना। मूली मैं कैसे करती हूँ, इसका आटे का पराठा बनाती हूँ मूली डाल के। ये मैंने मूली को क्रश कर लिया, बारीक करना है, मोटा नहीं करना। खूब सारा धनिया, ये देखिए अदरक है पूरा, और घस के रख लेना ऐसे। पहले नमक नहीं डालना, जब भी आपको खाना बनाना है पराठा तो ही उसमें आटा डाल के गूंदना, नमक डालना है, और इसका पानी नहीं छोड़ना। देखिए ये पानी पूरा अंदर ही है, ये कैल्शियम है पूरा, ये देख रहे हैं। कुछ लोग निकाल देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है, इस पानी के साथ में ही इसका आटा गूंदना है। और इसमें मैं डालूंगी अजवाइन, अजवाइन मूली में डालनी बहुत जरूरी है। देखिए आधा चम्मच डालूंगी मैं अजवाइन, और डालूंगी रेड चिल्ली पाउडर, ग्रीन बहुत सारी डालनी है। देखिए ग्रीन वाली मिर्ची डालनी है आपको, बहुत ज्यादा ग्रीन मिर्ची से इसका स्वाद आता है, बाकी और कुछ भी ऐड नहीं करना। रेड चिल्ली भी थोड़ी डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी। और डालेंगे अपना नमक, नमक मैं तभी डालूंगी जब भी इसका आटा गूंदूंगी। अब मैं करने लगी हूँ इसका आटा। अब मैंने देखिए आटा इसमें मिक्स कर दिया हाथ से थोड़ा। अब डालूंगी मैं इसमें नमक, और नमक पहले कम डालिए फिर टेस्ट कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा सारा आटा, देखिए पराठा मैं इसका ज्यादा लोगों के लिए करने वाली हूँ, इसके लिए आपको बता रही हूँ। इसमें पहले आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना, पहले आपको धीरे धीरे हल्के हाथ से पूरे को मैश करना है। आपको लगे कि सूखा और आटा तो उसमें पानी डालना है। पहले मूली के साथ में आपको आटे को बस मिक्स करते रहना है, ताकि आपको जैसे ही लगेगा कि हाँ बहुत सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जैसे देखिए मैं अभी थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी बस, और इससे धीरे 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 मिक्स करके बन जाएगा देखिए प्यारा सा आटा, मूली का पराठा, हेल्दी वाला, कैल्शियम वाला, बहुत ही हेल्दी है। थोड़ा सा आटा गूंदने के बाद में थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेंगे चलेगा। अब मैं इस आटे को रेडी करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे तेल, इसको आटे को बस इकट्ठा करते जाएंगे। देखिए दो बूंद पानी में हमारा आटा रेडी हो गया, और इसको ज्यादा ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मुझे मुक्की मारते हैं बस ऐसे इकट्ठा करके इसको हमने डब्बे में रख देना और फ्रिज में रख देना। इस आटे को ना फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा रखना है, नरम, फिर पराठे अच्छे बनते हैं। आप ज्यादा आटा डाल देंगे कड़क बन जाएंगे पराठे। ये देखिए ये हो चुका है मेरा आटा रेडी। अब मैं देखिए इसको कर दूंगी हाथ से, बस सेट करके इसको रख देंगे हम अपने बाउल में रख के इसको फ्रिज में रख देंगे। जब भी पराठा बनाना है तो ही निकालना है, फ्रिज में जरूर रखना है, ये आपको नहीं भूलना है।